शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर, हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषण से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषणों के द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें, उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब दुःश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले महेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रबल कुल नाम वेद और शाखा का प्रतिपादन करें, अब अधिक समय ना बिताएं। हिमाचल की बात सुनकर भगवान शंकर सम्मुख होकर भी विमुख हो गए, असूचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देख तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर भी कुछ नहीं जानते, महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिमूर्ख हो, तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है, तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज इनके गोत्र कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते हैं, फिर दूसरे की क्या चर्चा है। शैलराज जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है, इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा है, निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परात्पर है, गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं, साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं, भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं, ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं, पार्वती की तपस्या से ही आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ इन लीला बिहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मुंह में डाल रखा है, कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है, यह बात अच्छी तरह समझ लो, शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनका मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले।
अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भलीभांति दर्शन किया है। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। और मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोकजनी पार्वती को महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरजा के कर कमल को शीघ्र ही अपने हाथ में ले लिया। मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब ओर से महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन ही मन परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाए जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदनंतर शैलराज हिमाचल ने भी अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव समर्पित किए। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गायें, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मध्यांदनी शाखा में वर्णित स्त्रोत के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेत्ता हिमालय की आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उनकी अभिषेक की विधि पूरी की। मुनि उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था।